सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्व सब्जेक्ट का SFD BMD चैप्टर का प्रॉब्लम हम लोग सीखने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है ना। अभी तक प्रॉब्लम नंबर 6 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं ना। तो अभी प्रॉब्लम नंबर 7 हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो। अब यहाँ पे भी मैं स्टेटमेंट पढ़ने वाला हूँ। देखो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में, एन ओवर हैंगिंग बीम। ये ओवर हैंगिंग बीम का अपना पहला वाला प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, जहां पे बीम कैसा ओवर हैंग है। ओवर हैंग मतलब क्या, ये हमारा बीम है ए बी, सपोर्ट यहाँ पे, सपोर्ट से आगे क्या हो गया, स्पैन बढ़ गया है यहाँ पे ना, सपोर्ट से आगे तक स्पैन गया, मतलब ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं ओवर हैंग। तो ये ओवर हैंग है, बी टू सी क्या है, ये ओवर हैंग है बीम का, मतलब हैंग हो रहा है, मतलब आगे गया बीम है ना। तो ये ओवर हैंगिंग बीम है, ओवर हैंग बीम का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो देखो आगे स्टेटमेंट क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। ओवर हैंगिंग बीम एबीसी सच दैट स्पैन ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, ओवर हैंगिंग बी सी इज इक्वल टू 2 मीटर, कैरीज यूडियल ऑफ 12 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर इंटायर स्पैन ए बी सी एंड 2 पॉइंट ऑफ 10 किलोन्यूटन एट 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट ए एंड ऑफ 5 किलोन्यूटन एट फ्री एंड सी। ड्रॉ SF एंड BM डायग्राम है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि ये ABC ये हमारा ओवरहैंग स्पैन है, A टू B कितना है 6 मीटर है, और आगे ओवरहैंग BC कितना है 2 मीटर का है। ओके अब देखो A टू D 4 मीटर है, A से 4 मीटर पे यहाँ पे पॉइंट लोड है 10 किलोन्यूटन का है ना, और जो फ्री एंड है ओवरहैंग का जो फ्री एंड C है वहां पे 5 किलोन्यूटन का लोड है, और टोटल थ्रू आउट द स्पैन पे, टोटल स्पैन पे क्या है 12 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल है। तो हम लोग को इसका SF और BM निकालना है। देखो स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ओके तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे SF और BM निकालना है। उसके लिए सब में पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पहला स्टेप रहता है हमारा टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन है ना। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप इज taking summation of moment of forces about point A is equals to zero है ना। क्या रहेगा consideration हमारा, consideration है clockwise moment positive and anti-clockwise moment negative। okay तो A point से moment लेंगे हम लोग, सब में पहले क्या करेंगे UDL का ले लेंगे है ना, क्योंकि throughout span पे UDL है, एक ही force लेना है अपने को UDL का पूरा है ना। 12 किलोमीटर का यूडीएल है, कितना स्पैन है, टोटल स्पैन कितना 8 मीटर, 8 मीटर पे है ना 12 किलोमीटर है ना। तो 8 तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 8। अभी देखो फोर्स कैसे आएगा, फोर्स है डाउनवर्ड, ए की तरफ डाउनवर्ड फोर्स कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा है कि नहीं, ये ऐसे घूमेगा है ना, डाउनवर्ड फोर्स है ए पॉइंट की तरफ ऐसे घूमेगा, ये मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज फोर्सेस क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। तो फोर्स क्या हो जाएगा 12 × 8 मीटर, 12 का यूडीएल है, 8 मीटर का स्पैन है, ये हो गया फोर्स। अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस कभी भी क्या होता है स्पैन के हाफ में, स्पैन है 8 मीटर तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर बराबर 8/2 दैट इज 4 मीटर। ये हो गया यूडीएल वाला फोर्स। अब 10 किलोन्यूटन का फोर्स कैसे घूम रहा है, अगेन क्लॉकवाइज डाउनवर्ड फोर्स है, तो क्या आ जाएगा प्लस 10 × डिस्टेंस कितना है इसका 4 मीटर, ए से डी 4 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स है ये वाला, देखो ये वाला रिएक्शन है हमारा आर ए और यहाँ पे सपोर्ट है, ये वाला है आर बी है ना, ये दो सपोर्ट रिएक्शन हम लोग को निकालना है। अभी देखो नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, आर बी कैसे घूम रहा है, आर बी अपवर्ड है देखो, तो ऊपर से आएगा ऐसे ना, तो कैसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है, ए टू बी कितना डिस्टेंस है 4 + 2 = 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके लास्ट फोर्स इज हियर 5 किलोन्यूटन है ना, डाउनवर्ड फोर्स है, तो ए की तरफ कैसे घूमेगा डाउनवर्ड ऐसे आएगा है ना, कैसे ये क्लॉकवाइज अगेन, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 5 × डिस्टेंस कितना है देखो ए टू सी कितना डिस्टेंस है टोटल 8 मीटर, तो ये आ जाएगा 8 = 0। ओके तो यहां से हमको आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, शिफ्ट सॉल्व में डाल दो या आरबी इंटू 6 माइनस में इसको उधर लेके जाओ प्लस में हो जाएगा, फिर ये पूरा कैलकुलेशन करो 6 से डिवाइड करो आरबी का वैल्यू मिल जाएगा है ना। तो यहाँ पे हम लोग को आरबी का वैल्यू मिला है कितना आ गया आरबी, लेट्स कैलकुलेट 77.33 है, तो आरबी का वैल्यू मिल गया हम लोग को 77.33 ऑब्वियसली किलोन्यूटन रहेगा है ना, यूनिट लिखना नहीं भूलना। अब आरए निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव,
देखो अपवर्ड कौन से आर ए और आरबी अपवर्ड है, क्या आ जाएगा आर ए प्लस आरबी, आरबी का वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे 77.33। देन डाउनवर्ड फोर्सेस कौन से है, डाउनवर्ड देखो 10 का किलोन्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है, 5 किलोन्यूटन डाउनवर्ड है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस 10 माइनस 5, और यूडीएल भी डाउनवर्ड है, यूडीएल भी डाउनवर्ड है, कितने का है यूडीएल, यूडीएल है 12 किलोन्यूटन का, कितने स्पैन पे है 8 मीटर के टोटल स्पैन पे है, तो इंटू 8 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमको आर ए मिल जाएगा, लेट्स फाइंड आउट आर ए कितना आ गया, आर ए का वैल्यू वैल्यू ऑफ आर ए विल बी 33.66 किलोन्यूटन। ओके ये मिल गया, देखो हम लोग को आर बी मिल गया, आर ए मिल गया, रिएक्शंस मिल गए, फर्स्ट अपना स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये रिएक्शंस का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हमारे इज के लिए 33.66, और यहाँ पे ये कितना आ गया 77.33। ओके देखो अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अभी क्या करना है हम लोग को SF बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है इसका। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए इसको मैं क्या करता हूं यहां पे रफ कर देता हूं ताकि हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सके ना, उसका कैलकुलेशन कर सके। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रहेगी हमारी रेफरेंस लाइन है ना, इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर प्लस रहता है और इसके नीचे माइनस रहता है, यहाँ पे क्या रहता है ये जीरो जीरो का लाइन बोलते हैं हम लोग इसको है ना। अभी देखो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ए आ गया, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी, इसको नाम दे देते सी बी डी एंड ए। ओके तो अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है, और मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में बताया था कि जब यहाँ पे पूरा यूडीएल होता है, थ्रू आउट यूडीएल होता है, या फिर क्या होता है जो भी यूडीएल का जो स्पैन है उसके अंदर पॉइंट आ गया, जैसे कि यहाँ पे देखो यूडीएल ए से सी तक पूरा यूडीएल, और ए से सी के बीच में डी पॉइंट है और बी पॉइंट है ना, तो जब भी ऐसे बीच में पॉइंट आ जाएंगे तो यूडीएल को क्या करना है हम लोग को ब्रेक करना है ना, SF डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है यूडीएल को ब्रेक करना है, मतलब अभी हम लोग पूरा का पूरा यूडीएल का सिंगल फोर्स नहीं लेंगे, 12x8 करके सेंटर में फोर्स नहीं लगाएंगे यूडीएल के लिए। ओके अभी हमको स्पैन वाइज जाना पड़ेगा, क्योंकि SF डायग्राम के लिए हमेशा हम लोग को स्पैन वाइज जाना पड़ता है। ओके तो ये SF इधर रहेगा, जीरो ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस आएगा डायग्राम ऊपर बढ़ेगी, माइनस में आंसर आएगा डायग्राम नीचे आएगी। तो अभी देखो A to D स्पैन में जो UDL है उसको हम लोग को अलग से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 किलोमीटर का UDL अपने को पता है, तो यहाँ पे सिर्फ A to D पे UDL है ऐसे कंसिडर करो, तो क्या हो जाएगा 12 into 4, यहाँ पे सेंटर में एक फोर्स बताएंगे हम लोग, देर इज अ फोर्स एट द सेंटर दैट इज 12 into 4 है ना, ये 12 किलोमीटर का UDL सिर्फ 4 मीटर स्पैन के लिए। ओके देन अब ये हो गया स्पैन AD के लिए, स्पैन DB पे भी कितने का UDL है 12 किलोन्यूटन का है, लेकिन स्पैन DB कितने का है 2 मीटर का है, तो यहां पे आगे ने एक फोर्स हम लोग को दिखाना है सेंटर पे जो UDL वाला फोर्स है, ये जो स्पैन DB पे जो UDL है इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन 12 into 2, क्योंकि ये कितना का स्पैन है 2 मीटर का स्पैन है। ऐसे ही स्पैन BC, अब स्पैन BC पे अगेन कितने का फोर्स है 12 किलोन्यूटन का UDL है, लेकिन स्पैन कितना है 2, तो कहां पे एक्ट होगा सेंटर में एक्ट होगा, तो यहां पे सेंटर पे आपको अगेन फोर्स बताना है ना, यहां पे जो फोर्स आ जाएगा ये 5 किलोन्यूटन को साइड में लिखता हूं मैं, यहां पे कौन सा फोर्स आ जाएगा, यहां पे भी अगेन फोर्स आएगा 12 into 2 है ना, क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल, और स्पैन कितना है 2 है, तो स्पैन से इसको डिवाइड कर दिया। देखो अभी मैंने क्या किया, सेक्शन AD के यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, सेक्शन DB के पॉइंट लोड में किया, BC को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है ना, अलग अलग स्पैन में लेके उसको कन्वर्ट किया, क्योंकि SF निकालना है हमको। ओके अब देखो अब हम लोग SF कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लेट स्टार्ट आवर SF कैलकुलेशन।
क्या है कंसिडरेशन, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। फर्स्ट पॉइंट ए का निकालेंगे हम लोग ऐसे, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, ए पे कौन सा वाला फोर्स है, आर ए है, कैसा है, अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड फोर्स क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। आर ए का वैल्यू कितना है, 33.66 किलो न्यूटन है ना, वैल्यू पॉजिटिव आ गया, प्लस में आया, तो डायग्राम कहां बढ़ेगी, ऊपर है ना। यहां पे हम लोग बता देते हैं ये 33 का वैल्यू आ गया। ओके, अब मुझे बताओ ए टू डी में यूडीएल है क्या, हाँ यूडीएल है, अगर यूडीएल नहीं रहता तो हम लोग ये लाइन ऐसी स्ट्रेट बना देते, लेकिन इसमें यूडीएल है, तो यूडीएल है तो हमको रुकना पड़ेगा, डी पॉइंट का लोड निकालना पड़ेगा। अब देखो, अब यहां पे यूडीएल का ये फोर्स है प्लस डी पॉइंट पे पॉइंट लोड है। मैंने बताया था आपको लास्ट प्रॉब्लम में, मैंने बताया था कि जब भी यूडीएल आता है तो यूडीएल वाला जो भी पॉइंट लोड रहेगा, यूडीएल का जो भी फोर्स रहेगा, वो हम लोग कहां पे कंसिडर करेंगे, एंड में है ना। अभी ए टू डी स्पैन का यूडीएल कहां पे खत्म हो रहा है, डी पे है ना, तो ये 12x4 का फोर्स कहां पे कंसिडर करेंगे हम लोग, डी पॉइंट पे, और डी पॉइंट पे ऑलरेडी एक फोर्स है 10 किलो न्यूटन का है ना, तो यूडीएल का फोर्स भी डी पे जाएगा प्लस वहां पे ऑलरेडी एक फोर्स है, मतलब डी पॉइंट पे कितने फोर्स हो गए, दो फोर्स हो गए है ना। तो यहाँ पे एसएफ कितने बार आएगा डी पॉइंट का, दो बार आएगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसएफ डी वन और एसएफ डी टू। ओके, तो एसएफ डी वन निकालने के लिए सबसे पहले जो आंसर आ गया वो लिख दो, 33.66। अब यूडीएल वाला फोर्स जो डी पे एक्ट होगा, पहले यूडीएल वाला फोर्स आएगा, कैसा है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स क्या लेते हैं हम लोग, माइनस नेगेटिव है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस यूडीएल का फोर्स कितना है, 12x4 है ना। अब ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा माइनस में आने वाला है आंसर है ना, कितना आ गया आंसर, 14.34 है ना, ये आ गया माइनस 14.34 किलो न्यूटन है ना। अब माइनस 14.34 किलो न्यूटन का लोड कहां पे आएगा, डी पॉइंट पे, माइनस मतलब नीचे आ जाएगा पॉइंट, सपोज यहां पे किधर पॉइंट आ गया है ना, ये है हमारा एस एफ डी वन विच इज 14.34 किलो न्यूटन है ना। अब देखो, अब ये एस एफ एट ए है, एस एफ एट डी वन है, तो ए टू डी क्या है, यूडीएल है, यूडीएल रहने की वजह से कैसी आएगी लाइन, क्रॉस लाइन आ जाएगी ना, डायरेक्टली क्रॉस लाइन से जोड़ेंगे हम लोग, ओके डी वन आ गया। अब डी टू भी निकालना है हम लोग को, शेयर फोर्स एट डी टू, इसके लिए क्या करना है, पहले जो आंसर आया लास्ट का वो लिख दो, लास्ट का आंसर कितना आया था, माइनस 14.34। अब D2 वाला फोर्स यूडीएल तो खत्म हो गया, अब डी पे और कौन सा फोर्स है, 10 किलो न्यूटन, कैसा है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या आते हैं हमारे, माइनस, तो माइनस 10, देखो क्या हो जाएगा, 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 24.34 है ना, माइनस 24.34 किलो न्यूटन है ना। ये वाला फोर्स कहां पे आएगा, ये भी आएगा पॉइंट डी पे, ये भी डी पे ही आएगा, तो D पे यहां पे ही क्या हो जाएगी, ये लाइन नीचे चले जाएगी, ये वाला भी माइनस में आ गया है ना, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 24.34 किलो न्यूटन है ना। अब देखो D का SF खत्म हो गया, लेकिन डी टू बी में यूडीएल है क्या, हाँ यूडीएल है, अगर डी टू बी में यूडीएल नहीं रहता तो ये डायग्राम भी ऐसे स्ट्रेट जाती है ना, लेकिन यहां पे यूडीएल है ना, तो यूडीएल है तो अपने को यहां पे रुक जाना पड़ेगा। अब देखो, अब डी टू बी में यूडीएल है, और यूडीएल वाला ये जो फोर्स है ना, ये वाला फोर्स कहां पे आएगा, एंड पे आएगा, तो डी टू बी का एंड कहां हो रहा है, बी पे, तो ये यूडीएल का फोर्स कहां पे एक्ट होगा, बी पे, और बी पे ऑलरेडी क्या है, आरबी रिएक्शन भी है, मतलब बी पे अगेन दो फोर्सेस आएंगे है ना, तो लेट्स फाइंड आउट, सेम ऐसे ही करना है, डी वन डी टू आया था ऐसे ही क्या हो जाएगा, अभी एस एफ बी वन और बी टू आएगा। एस एफ बी वन के लिए सबसे पहले जो लास्ट का आंसर आ गया उसको लिख दो, कितना आ गया था, माइनस 24.34 है ना, और अब क्या आएगा, यूडीएल वाला फोर्स 12x2 कैसा है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होते हैं, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 12x2 है ना। अब देखो माइनस 24 माइनस 12x2 कितना आ गया, माइनस 48.34 है ना, इसका आंसर आ गया माइनस
48.34 किलो न्यूटन है ना। अब देखो माइनस 48.34 किलो न्यूटन कहां पे आएगा, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे अब देखो ये 24 है तो 48 क्या होगा इससे भी और नीचे आएगा पॉइंट, सपोज यहां पे पॉइंट आ गया है ना। अब देखो डी टू बी में क्या है, यूडीएल है, यूडीएल रहने की वजह से क्या आएगी क्रॉस लाइन आ जाएगी, ये आ गया हमारा 48.34। ओके बी वन आ गया, ऐसे हम लोग को क्या करना है बी टू निकालना है, शेयर फोर्स एट बी टू, जो आंसर आ गया वो लिख दो कितना आ गया माइनस 48.34। अब देखो बी टू के लिए कौन सा वाला फोर्स है, आरबी, आरबी कैसा है अपवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्सेस क्या होते हैं पॉजिटिव, तो आरबी की वैल्यू लिख देंगे यहां पे हम लोग और क्या लिखेंगे प्लस में आएगा है ना 77.33 है ना 77.33। तो देखो अभी कितना आ जाएगा ये 48.34 है माइनस में है प्लस में, तो क्या हो जाएगा वैल्यू क्या आएगी प्लस में आने वाली है, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 28.99 किलो न्यूटन है ना, प्लस में वैल्यू आ गई 28.99 है ना। तो यहां पे ही बी पॉइंट पे ही आएगा ये भी है ना, और लेकिन कैसा आएगा अपवर्ड जाएगी लाइन, अभी किधर जाएगी ऊपर जाएगी है ना, तो ये लाइन जाने वाली है ऊपर, यहां पे इधर किधर आ जाएगा हमारा 28.99 किलोमीटर, प्लस में वैल्यू है इसके लिए ऊपर गया डायग्राम है ना, माइनस में थी अब तक तो नीचे था डायग्राम बराबर। अब ये बी का यूडीएल यहां पे खत्म हो गया, अब हमको क्या करना है सी पॉइंट का एसएफ निकालना है। अब सी पॉइंट का एसएफ निकालने के लिए देखो बी टू सी में यूडीएल है और ये यूडीएल वाला फोर्स यहां पे है, यूडीएल वाला फोर्स कहां जाएगा एंड पे जाएगा मतलब सी पे जाएगा है ना, यूडीएल वाला फोर्स भी सी पे जाने वाला है और ऑलरेडी सी पे एक पॉइंट लोड है ऑलरेडी, मतलब सी पे भी क्या होगा दो फोर्सेस आएंगे है ना। तो लेट्स फाइंड आउट द एसएफ एट पॉइंट सी, तो देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी वन, पहला सी वन जो आंसर आया एज इट इज लिख दो कितना है 28.99 है ना। अब देखो यूडीएल यहां पे कितना है 12 × 2 का यूडीएल, कैसा है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होते हैं नेगेटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस 12 × 2 है ना। देखो अब माइनस 12 × 2 इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ गया हमारा 5 है ना, और कैसा 5 आ गया प्लस 5 किलो न्यूटन है ना। अब ये आ गया प्लस 5 किलो न्यूटन, कहां पे आएगा सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे यहां पे मैं क्या करूंगा प्लस 5, अभी प्लस 5 का पॉइंट सपोज ये इधर है ना, तो अब मैं क्या करूंगा बी टू सी में क्या है यूडीएल है, तो यूडीएल है तो क्या आएगी क्रॉस लाइन है ना, तो यहां पे क्रॉस लाइन से इसको हमको ज्वाइंट कर देना है, ये है हमारा 5 किलोन्यूटन प्लस में है ना। अब ये हो गया एस एफ एट सी वन हो गया, अब लास्ट वाला बचा हमारा और एक फोर्स है यहां पे 5 का है ना, तो एस एफ एट सी टू निकालना पड़ेगा, जो आंसर आया लास्ट का कितना आया था 5 आया एज इट इज लिख दो। अब देखो यहां पे 5 किलोन्यूटन का फोर्स है, कैसा है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं माइनस 5, देखो प्लस 5 माइनस 5 क्या हो गया 0, अब 0 आ गया आंसर मतलब डायग्राम क्या हो जाएगी वापस सी पॉइंट पे आ जाएगी यहां पे। इन दिस वे आवर एसएफ डायग्राम इज कंप्लीट है ना, इस तरह से हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया है ना। अभी शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा, अब ऐसे ही हम लोग को क्या करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले एक चीज देखना बहुत जरूरी है, जैसा मैंने बताया था आपको लास्ट प्रॉब्लम क्या देखना जरूरी है कि हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कहीं कट हो रहा है क्या है ना। अब देखो डायग्राम है, डायग्राम किधर कट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, यहाँ पे ये डायग्राम कट हो रहा है हमारी मेन लाइन को, मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या डिनोट करता है, ये पॉइंट डिनोट करता है कि यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो है, और जहां पे शेयर फोर्स जीरो होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है ना, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, तो ये पॉइंट को नाम दे देते हम लोग जेड। अब इस पॉइंट का लोकेशन हम लोग को फाइंड आउट करना जरूरी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि इसका मोमेंट निकालना है तो इसका डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए ना, इसलिए हम लोग इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं है ना। तो जेड से ए तक का डिस्टेंस हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे यहाँ है ना,
अब ये जो इतनी डायग्राम है ए टू डी है ना, ये वाली डायग्राम को मैं क्या करता हूँ, ये वाली डायग्राम को मैं इधर साइड में ड्रॉ करता हूँ और हम लोग क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। तो इसके लिए भी मैं इसको वाइप आउट करता हूँ, तो स्वाइप कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे अभी ट्रायंगल थ्योरम का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ए टू डी तक की जो डायग्राम है ना वो वाली डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ओके अब देखो ये डी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ पे वैल्यू कितना है, इसका हाइट कितना है 33.66, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 14.34। ओके अब देखो ये वाला पॉइंट है हमारा जेड, हमको डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक का बराबर, ये है हमारा एक्स। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है 4 है ना। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक का है ना। अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग है ना, ये टोटल 4 है तो ये 4 में से ये x को माइनस कर दिया मैंने तो ये डिस्टेंस मिलेगा मुझे है ना। तो ये 4 माइनस एक्स, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ओके अब देखो ये दो ट्राइंगल है जिनका बेस क्या है, कॉमन है, तो यहां पर ट्राइंगल थ्योरम के हिसाब से बेस बाय हाइट का रेशियो दोनों ट्राइंगल का सेम रहेगा। तो हम लोग बेस बाय हाइट का रेशियो लेंगे, पहले इस वाले ट्राइंगल का बेस क्या है एक्स, इसकी हाइट कितनी है 33.66 इज इक्वल टू, ये वाले ट्राइंगल का बेस कितना है 4 माइनस एक्स, ये वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है 14.34। ओके अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या हो जाएगा एक्स 0.34 इज इक्वल टू 33.66 4 माइनस एक्स। यहां पे शिफ्ट सॉल्व में डालो या क्रॉस में और इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी है ना। तो एक्स की वैल्यू जो मिलेगी हम लोग को कितना मिला, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मिल गया अपने को 2.81 मीटर है ना, इट इज 2.81 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू कितना है 2.81 मीटर है, ये वाला वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ पे है ना। तो अब क्या करना है अपने को, लेट्स फाइंड द बीएम डायग्राम, बीएम कैलकुलेशन करना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं। चलो तो बीएम कैलकुलेशन के लिए क्या कंसिडरेशन होता है हमारा, एकदम सिंपल वाला कंसिडरेशन है बीएम के लिए है ना। क्या है कंसिडरेशन हमारा बीएम डायग्राम का, सिर्फ इतना है कि भाई जो अपवर्ड फोर्सेस रहेंगे उसका मोमेंट क्या रहेगा पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस रहेंगे उसका मोमेंट क्या रहेगा नेगेटिव है ना। भले ही सेक्शन के राइट साइड के फोर्सेस देखो हम या लेफ्ट साइड के देखो, सिर्फ ये देखना है कि फोर्स अपवर्ड है तो पॉजिटिव, फोर्स डाउनवर्ड है तो नेगेटिव बस। ओके तो अब देखो, अब जैसे कि मैं आपको हर बार बता रहा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम या ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है कि जो मोमेंट होता है बेंडिंग मोमेंट, जो कॉर्नर पॉइंट्स का जो मोमेंट होता है, जैसे यहां पे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से अभी है ना, ये ए कॉर्नर पॉइंट है और इधर सी एक कॉर्नर पॉइंट है, भले ही सी सपोर्ट वाला नहीं है लेकिन सी कॉर्नर है। तो ये जो दो कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर के मोमेंट्स क्या होते हैं जीरो होते हैं ना। तो इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू जीरो है ना, ए और सी का मोमेंट क्या रहेगा जीरो। अब कौन से पॉइंट बचे हमारे पास, हमारे पास पॉइंट बचा डी बी और जेड है ना, कौन से पॉइंट का मोमेंट निकालना है, मोमेंट निकालना पॉइंट डी बी और जेड का है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोमेंट एट पॉइंट डी और बी का मोमेंट हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जेड का मोमेंट निकालेंगे। ओके तो सबसे पहले निकालते हैं मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, ओके देखो अब डी के लेफ्ट में देखो, डी के लेफ्ट में क्या है आ रहे हैं, कैसे घूम रहा है, कैसा है अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स क्या होता है पॉजिटिव। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, प्लस में लिखूंगा आर ए की वैल्यू कितनी है 33.66 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है डी पॉइंट से, कितना है डिस्टेंस 4, क्या कर दूंगा इंटू 4 है ना, सिंपल एकदम। तो देखो अभी
उसके बाद क्या है यहाँ पे ए टू डी में यूडीएल का फोर्स है, कैसा है, डाउनवर्ड है फोर्स, है ना। अब डाउनवर्ड फोर्स है तो क्या रहेगा, डाउनवर्ड फोर्स क्या लेते हैं हम लोग, माइनस। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 12 × 4 का ये फोर्स है। अब इसका डिस्टेंस कितना है, ये टोटल है 4 मीटर, तो ये कहां पे एक्ट होगा, स्पैन के हाफ में, मतलब ये 4 मीटर है तो कहां पे एक्ट होगा, 2 मीटर। डी से कितना आएगा, 2 मीटर, है ना। और कोई फोर्स है डी के लेफ्ट में, नहीं है, इतना ही है बस। ओके, तो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, है ना। लेट्स फाइंड आउट दी, लेट्स कैलकुलेट इट एंड फाइंड दी वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो देखो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 33.66 × 4 प्लस, सॉरी माइनस, कितना है, 48 × 2, है ना, कितना आ गया, 38.64, 38.64 किलोन्यूटन, है ना। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 38.64 किलोन्यूटन मीटर। ओके, ये मिल गया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। ऐसे हम लोगों को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालना है। अब देखो बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, बी के अगर हम लोग लेफ्ट में देखेंगे बहुत सारे फोर्सेस है, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट के फोर्सेस लेंगे। तो बी के राइट में कौन से फोर्सेस है, एक तो यूडीएल है प्लस फाइव है ना, तो सबसे पहले फाइव का देखेंगे। फाइव का फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्सेस क्या आते हैं, नेगेटिव, है ना। डाउनवर्ड फोर्सेस क्या आते हैं, नेगेटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, है ना। कितने का फोर्स है, 5 × डिस्टेंस कितना है इसका बी से, 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा, 5 × 2। अगेन देखो यूडीएल, अब यूडीएल का फोर्स कैसा है, यूडीएल का फोर्स है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फोर्सेस को क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव, माइनस, है ना। तो मतलब माइनस क्या आ जाएगा, कितने का फोर्स है, 12 × 2, है ना, ये आ गया 12 × 2 का फोर्स। इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका डिस्टेंस रहेगा, देखो ये टोटल डिस्टेंस 2 है, तो 2 का क्या रहेगा, हाफ, 2 का हाफ मतलब 1 मीटर। ओके, तो देखो अभी यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि माइनस माइनस में दोनों वैल्यू, तो आंसर क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है, और पहली बार हमारी बीएम डायग्राम नीचे जाने वाली है। ओके, बता दो मैं कैसे, अभी देखो यहां पे पहले इसको कैलकुलेट कर लेना है हम लोग को, टेन प्लस कितना आ गया, माइनस 34, मोमेंट एट पॉइंट बी आ गया हम लोग को, मिल गया माइनस में 34 किलो न्यूटन मीटर। ओवरहैंग है तो वो डाउनवर्ड जाएगा मोमेंट, है ना, तो यहाँ पे माइनस में आ गया मोमेंट का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है सब में इंपॉर्टेंट हमारा जेड, है ना, ये जो जेड पॉइंट है, ये जेड पॉइंट को क्या करना है, अपने को ऊपर लोकेट करना है। इसके लिए अपने को यहाँ पे पहले ये वाले फोर्स को हटा देंगे यहाँ पे, ना, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। और क्या करते हैं हम लोग, और इस वैल्यू को भी हटा देते हैं यहाँ से, और हम लोग हमारे Z पॉइंट को ऊपर लोकेट कर देते हैं यहाँ पे। ये जो Z पॉइंट ऊपर लोकेट हो जाएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। यहाँ पे है हमारा Z पॉइंट, और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.81 मीटर, है ना। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, Z पॉइंट का मोमेंट निकालना है, तो Z पॉइंट के लेफ्ट के फोर्सेस देखना है, तो Z के लेफ्ट में इतना ही डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, 2.81 मीटर का डिस्टेंस है, बस इतने पे ही ध्यान दो, ये मेरे हाथ के लेफ्ट वाला जो सेक्शन है उतने पे ही ध्यान दो, है ना। अभी सब में पहले फोर्स क्या है, ये अपवर्ड फोर्स से आ रहे हैं ना, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। तो यहां पे देखो मोमेंट एट पॉइंट जेड में सब में पहले क्या लेंगे हम लोग, 33.66 प्लस में इंटू 2.81, क्योंकि जेड पॉइंट से एक डिस्टेंस कितना है, 2.81। ओके फाइन, अब देखो नेक्स्ट वाला फोर्स क्या है हमारा, यूडीएल। कैसा है, यूडीएल डाउनवर्ड है, यूडीएल डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स क्या लेते हैं हम लोग, माइनस में। देखो माइनस में कितने का यूडीएल, 12 किलोन्यूटन का है, बट कितने स्पैन के लिए, सिर्फ 2.81 मीटर स्पैन के, है ना। यहां से लेफ्ट में कितना स्पैन है, 2.81, तो यूडीएल कितने के लिए आएगा, सिर्फ 2.81 मीटर के स्पैन के लिए आएगा। तो यहां पे यूडीएल का फोर्स क्या हो जाएगा, 12 × 2.81, ये हो गया यूडीएल का फोर्स, है ना। और आपको पता है Z से इधर 2.81 है, तो स्पैन के कहां पे एक्ट होता है, यूडीएल हाफ में, तो मतलब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2.81 / 2, है ना।
ये हम लोग को अभी कैलकुलेट करना है। देखो लेट्स कैलकुलेट इट, तो क्या आ जाएगा वैल्यू देखते हैं हम लोग, है ना। 33.66 इंटू 2.81 देखो ये वाला वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 94.5846, है ना। अभी ये वाला वैल्यू देखते हैं हम लोग कितना आ गया, 2.81 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 2.81 कितना आ गया, ये आ गया 47.3766, है ना। तो देखो 94.5846 माइनस 47.3766, है ना, कितना आ गया 47.208, है ना। The moment at point Z is 47.208 किलो न्यूटन मीटर, है ना, इन पॉजिटिव, है ना। देखो मोमेंट एट डी 38.64 है, मोमेंट एट बी तो माइनस में चला गया, मोमेंट एट जेड कितना 47.20। जेड का मोमेंट हमेशा ज्यादा रहेगा, भले पॉइंट में क्यों ना ज्यादा हो लेकिन ज्यादा रहेगा, यहाँ पे तो डायरेक्टली ज्यादा हम लोग को दिख रहा है ना। तो लेट्स ड्रॉ द बीएमडी, है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है। इसके लिए सब में पहले क्या करना है, हम लोग को एक रेफरेंस लाइन लेना है, यहाँ पे हम लोग को एक रेफरेंस लाइन लेना है। जैसे ऐसे बनाते हैं हम लोग वैसा ही सीन है इसका। देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, सपोज यहाँ पे हमारा पॉइंट जेड है, यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और यहाँ पे पॉइंट हमारा सी है। ओके, अभी देखो मोमेंट एट पॉइंट ए क्या है, जीरो, मोमेंट एट पॉइंट सी इज जीरो। ओके, अब देखो मोमेंट एट पॉइंट जेड कितना है, मोमेंट एट पॉइंट जेड है प्लस 47, सपोज यहाँ पे आ गया। मोमेंट एट पॉइंट डी कितना है, मोमेंट एट पॉइंट डी है 38.64, ये दोनों भी मोमेंट पॉजिटिव है, इसके लिए मैं पहले लिख दे, सपोज ये यहां पे आ गया। ओके, ये है मोमेंट एट पॉइंट डी 38.64, ओके, और ये है मोमेंट एट पॉइंट जेड विच इज 47.208, है ना, किलो न्यूटन पर मीटर। तुम लोग यूनिट के साथ अच्छे से लिखना, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा। ओके, अब देखो, अब ए टू सी तक पूरा का पूरा यूडीएल है, पूरा का पूरा यूडीएल है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, पूरा सब कर्व ही आने वाला है ना। अब सब कर्व ही आने वाला है, तो देखो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा कर्व। ओके, अब देखो, अब मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है, मोमेंट एट पॉइंट बी है हमारा -34 किलोन्यूटन पर मीटर। माइनस में जब भी वैल्यू आएगी तो डायग्राम की हो जाएगी नीचे, तो यहां पे वैल्यू इसका ये आएगा, ये है हमारा मोमेंट एट पॉइंट बी विच इज 34, -34 आ गया। ओके, अब देखो, अब यहां से डायग्राम क्या होगी, डायरेक्टली इसको ऐसे ज्वाइंट करेगी। ओके, अब बी टू सी क्या है, सी का मोमेंट जीरो है, तो ये यहां पर ऐसा वाला कर्व आएगा। ओके, ये वाला, ये डायग्राम ऐसे आई तो ये ऐसे ऊपर जाएगी, है ना। ये वाला डायग्राम आ गया हमारा माइनस में, ये वाला डायग्राम आ गया हमारा प्लस में। दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और दिस इज आवर शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। दोनों डायग्राम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और अब यहाँ पे आप लोग को और एक चीज देखने मिल रही है, जैसे यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम ने इसको कट किया था, उसी तरह से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ने भी यहाँ पे इसको कट किया है, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो है, है ना। तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर भी बोलते हैं, जहां से फ्लेक्चरल रिजिडिटी होगी, मतलब जहां से बीम क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, वैसा वाला पॉइंट होता है वो, है ना। तो इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे। तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का भी लोकेशन फाइंड आउट करना जरूरी होता है, मतलब इसका डिस्टेंस हमको सी से या ए से निकालना जरूरी होता है, लेकिन अभी यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमको वो नहीं पूछा है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भी लेंगे हम लोग उसमें ऐसा रहेगा, तो हम लोग उसमें इसके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एकदम इजी रहता है, एक स्टेप का आंसर है उसका। ओके, तो समझ में आया प्रॉब्लम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।